नमस्कार, पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल की सड़कों पर निकले और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर कहा कि जरूरत का सामान लेने के लिए ही घरों से निकले। इस बीच प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी ने पुलिस कर्मियों को दिए निर्देशों में कहा कि 55 वर्ष से अधिक उम्र और अस्थमा की बीमारी से ग्रसित अधिकारी कर्मचारी को न लगाया जाए। जिन लोगों की ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव लोगों के क्षेत्र पर लगी है वो अधिकारी अपने 14 दिन घर ना जाए। उनके रुकने और खाने पीने और आवश्यक सामान की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना पीड़ित मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 873 हो गई है। इनमें से 79 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। इससे एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 724 मरीज मिलने और 17 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक 33 मरीज मिले हैं, जबकि सबसे ज्यादा 15 मरीज इंदौर में हैं। इसके अलावा जबलपुर में 6, भोपाल में 3, शिवपुरी में 2 और ग्वालियर में 1 संक्रमित पाया गया है। इंदौर में 3 दिन में ही 15 पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने 9 इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये वही इलाके हैं जहां ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कर्फ्यू और लॉकडाउन में देश के किसी भी हिस्से में फंसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे लोगों को अपने घर तक लाने के लिए पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश के ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों या किसी दूसरे जिले में फंसे हैं, उनके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो 104 और 181 पर फोन लगाकर सरकार से मदद मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री 19 मार्च को शाम 5:30 बजे फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेशवासियों से संवाद करेंगे। सीएम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचे नुकसान को लेकर भी किसानों से चर्चा करेंगे। लॉकडाउन के बीच लोगों को आज दूरदर्शन पर धारावाहिक रामायण देखने को मिला। इससे लोगों की 32 साल पुरानी याद ताजा हो गई। पत्रिका की अपील है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।